त्यागी संत बनो, कहीं मोहित ना हो, लोभ लालच भी मत करो, कुछ नहीं करना। एक भक्त यहां दर्शन के लिए आया, उसका बटुआ गिर गया बेचारे का, उसमें 8600 रुपये थे। तेलवा गांव में सहरसा जिले में हमारे वो संत को मिला, खड़े हो हरीश दास, उसने लाकर हमको दिया, किसी का गिर गया। हमने अनाउंस किया, वो बुढ़ा बाबा आया, बोला मेरा है गुरुजी, तो हमने कहा ले लो। बोले गुरुजी मिल गया बहुत बड़ी बात है, हम भी 500 रुपये दान देकर गए थे, तो हमने कहा वो भी वापस कर दूं क्या? बोले नहीं, ये जो 8600 मिले ये बढ़िया, 200 और दान दिया। हमने कहा दान मत दो, ले जाओ आप, 8600 रुपये किसी के गिरे हुए मिल गए, उसको अगर रख लेगा कोई तो याद रखना उसके घर में दरिद्र आ जाएगा। किसी दूसरे का पैसा लालच करके रख लेना बहुत बड़ा पाप लग जाता है, ये पैसा काल है, महाकाल है, इसलिए याद रखना। किसी का पैसा चुराना नहीं है, लेना नहीं है, मेहनत का लेना है, और किसी की मेहनत को भी मारना नहीं, उसको दे देना है। अभी अगले गांव से बात हुई, प्रमोद मंडल रामगढ़ वाले, जहां जाना है मुझको परसों। बोले गुरुदेव अभी इस मंडप का खर्चा 48,000 देना बाकी रहा है, ये मंडप का, माइक का, वीडियो का, ट्रकों का, डीजल का, 25 नौकरों का। तो हमने कहा आज ही भेज दो तुम। बोले आप आओगे तो कुछ हाथ में दे दूंगा। हमने कहा हाथ में मत दो, साथ में दे दो, भेजो तुम। मंडप वाले खुश हो जाएंगे, तेल डालेंगे, नौकरों को वेतन देंगे, उसमें लफड़ा क्यों पालते हो, बात को दे देंगे। क्यों बात को देंगे, पहले दे देंगे, डीजल पहले पड़ेगा और पैसा बात को दोगे, तो ये बुद्धिमानी थोड़े, फट से दे देना। और किसी की मेहनत का पैसा जो मारता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी का उधार लिया हुआ धन जो वापस नहीं लौटाता है उसको बहुत बड़ा पाप लग जाता है, वो कभी उन्नति नहीं कर सकता। और किसी से जो अधिक ब्याज लेता है वो कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। ज्यादा परसेंट ब्याज लगाकर गरीब लोगों को खूब 2%, 3%, 4% मासिक लगा दिया तो क्या बर्बाद हो गया गरीब आदमी। थोड़ा दया भाव रखो, इतना पैसा मत लो। गरीब है, बेटी के विवाह के लिए 1,00,000 तुमसे उधार लिया है, ब्याज दे रहा है, जब वापस करे उसे बता दो अगर 1 महीने में वापस करोगे तो केवल 1,000 ब्याज पड़ेगा, और 2 महीने में वापस करोगे 2,000, और यदि आप 1 साल में वापस करोगे तो सभी लोग ले रहे हैं 4%, तो मैं लूंगा आपसे 1.5%, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी है, सहयोग करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कन्यादान में मदद करना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि कन्या एक ऐसी प्राणी है जिसको किसी का सहारा चाहिए, बिना सहारा क्यों नहीं रह पाएगी, इसलिए कन्या के विवाह में मदद करना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा जिनके ज्यादा कन्या है टेंशन मत करो, महाराजा दशरथ और महाराजा जनक से सीखो। राजा जनक ने अपनी चारों बेटियों का विवाह एक साथ किया था, और राजा दशरथ ने अपने चारों बेटों का विवाह एक साथ किया था, एक ही बार में बैंड बाजा बजा, एक ही बार जनरेटर चला, एक ही बार पटाखा वगैरह फूटे, और एक ही बार मेहमान सब खा खू लिए, और एक ही बार में सब खर्चा निपट गया, और चार का विवाह निपट गया। अब चार कन्याएं हैं, हर साल तुम तंबू बजावत जा रहे हो, तुम बूढ़ा हो तो तुम बर्बाद तो हो ही जाओगे, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। भगवान के पिताजी से सीख लो, भगवान राजा थे, महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, फिर भी उसने बुद्धि लड़ाया कि चारों बेटे जवान हो चुके हैं, एक एक साल दो दो साल का अंतर कहाँ है, खीर खाकर पैदा हुई, साथ में पैदा हुई, तो चारों की शादी कर दो, एक की करोगे तो दूसरा ललचाता रहेगा फालतू, और तीसरा टेंशन में रहेगा कि हमार देखो कब करी है, और चौथा जो है बेहोश हो जाए कि पिताजी के बुद्ध ने जब साधक बराबर ही पैदा भेन तो साथ में निपटाऊ। और उधर कन्याएं भी, राजा कुशध्वज राजा जनक के भाई थे,
उनकी कन्याएं थी और राजा जनक की सीता, सबका मिलाकर एक साथ विवाह कर दिया। कन्याओं को भी टेंशन खत्म हो गई, नहीं तो मांडवी सोचती देखो हमारा कब विवाह होगा, और श्रुत कीर्ति सोचती हमारा कब नंबर आएगा। और एक ही घर में पहुंच गई सब, बस आराम से रहो जाकर। अनेक घर हो या एक घर हो, लेकिन अगर लड़के लड़की शादी योग्य हो गए हैं तो एक साथ कर दो, आपका 80% खर्चा बच जाएगा। बुद्धिमान बनो, ये रोज रोज टंटम मत पालो, रोड ढोल बजा बज जाए रहे कहत का हुआ, कहीं बड़ी लड़की की ब्याह है, अगले साल का हुआ कहीं दो नंबर वाली, फिर तीसरे साल कहीं तीन नंबर, तुम्हारे नंबर ही खत्म हो गए थे, एक ही बार में सब नंबर खत्म। हाँ, होशियार बनना चाहिए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का विवाह एक साथ हुआ था, कम खर्च में फाइनल कर। तो गणित लगाते नहीं हो, मैं तो अर्थशास्त्र पढ़ा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट किया हूँ अर्थशास्त्र से, 16 क्लास, वहाँ सिखाया जाता है कैसे आदमी उन्नति करता है। तो ये सब गणित लगाकर काम करो, बीड़ी मत पियो, गांजा मत पियो। आप अगर 20 रुपये की भी बीड़ी पीते हो, तुम्हारे घर में 2-3 लोग बीड़ी पी रहे हैं, 1 लोग दारू पी रहे हैं, 200 रुपये का नशा हो रहा है, कितने का नशा हो गया पता है आपको? 6000 महीना, 72000 साल, 10 साल में 7,20,000, 7,20,000 नशा छोड़ दो तो 5 साल में ही एक कार ला सकते हो, अगले 5 साल में 2 कमरा बना लो, लिख के लगा दो कि यह संगदेव की कृपा से कार आई है, उन्हीं कृपा से कमरा बना है। अब तुम्हारे पास न कार है न कमरा है, जो कुछ है तो गांजा है और चिलम और बम भोले लगा गोले, और शिव जी की बूटी है कभी नहीं ये छूटी है, और बात हमारी झूठी है, यही सब बताते रहो। भांग खाते रहो, क्यों खाते हो भांग? भांग खाते हो तो दाल भात क्यों खाते हो? चलो भांग ही भांग खाओ जाए, भंगड़ी नाथ। दारू पीते हो उसके ऊपर पानी भी पीते हो, फिर चाय भी पीते हो, काफी पीते हो, शरबत पीते हो, रस पीते हो, दारू क्यों पीते हो? महिलाएं दारू नहीं पीती है, ये कौन कमजोर हो गई है? सभी महिलाएं भोगदंड है, सभी महिलाएं पहलवान है, कमजोर यही लोग ज्यादा दिख रहे हैं। इधर हमका सब डाउनिंग दिख रही है और इधर ज्यादा ताकत दिख रही है। हाँ, क्योंकि जब दारू पियोगे, दारू तुम पीते हो, दारू तुमको पीती है, तुम सोचते हो मैं दारू पी रहा हूं, ये गलत सोच रहे हो। दारू तुमको पी रही है, दारू तुम्हारा धन पी रही है, दारू तुम्हारी इज्जत पी रही है, दारू तुम्हारा सम्मान पी रही है, दारू तुम्हारे स्वास्थ्य को पी रही है, दारू तुम्हारे शरीर को पी रही है, और दारू तुम्हारी बुद्धि को पी रही है, दारू तुम्हारे टाइम को भी पी रही है, दारू तुमको बिल्कुल खोखला बना रही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी शराब नहीं पीता है, जब पीता है शाम को 1 गिलास दूध पी करके फिर सो जाता है। क्यों पीते हो दारू? नशा में क्यों रहना चाहते हो? होश में क्यों नहीं रहना चाहते? कारण क्या है? तो कहते टेंशन बहुत है। टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों है? काम नहीं करोगे टेंशन होगी, उल्टा काम करोगे टेंशन होगी, पढ़ाई नहीं करोगे टेंशन होगी, बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखोगे टेंशन होगी, अपने लड़के लड़कियों को कंट्रोल में भी रखो, इधर उधर क्यों घूम रहे हैं? लड़कियों को समझाओ, दुपट्टा डालकर रहो, सही कपड़े पहनो, आधे फटे कटे लटे कपड़े क्यों पहनती हो? कहीं टांग खुल्ला कहीं पेट खुल्ला, क्या जरूरत है इसकी? इससे व्यभिचार बढ़ेगा, गलत काम होंगे, फिर चिल्लपो मचेगी, इज्जत जाएगी, जरूरत क्या है? सब अंग ढांक कर रहो, चरित्र बना कर रहो। ये विषय भोगों के लिए जिंदगी नहीं है, ये संसार में मनुष्य का जीवन, ये सब लफड़ा पचड़ा के लिए नहीं मिला है। अरे मनुष्य का जीवन पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, मनुष्य का जीवन पाने के लिए बड़े बड़े भगवान तरसते हैं, और मनुष्य का जीवन पाने के लिए कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी तड़पती हैं। वो मनुष्य का जीवन पा करके तुम फैशन में बर्बाद, टेंशन में बर्बाद, व्यसन में बर्बाद, दुनिया का बवाल करने में बर्बाद, ये सब क्या कर रहे हो? मनुष्य का शरीर राम को मिला था वो भगवान बन गए, मनुष्य का शरीर कृष्ण को मिला था वो भी भगवान बन गए, मनुष्य का शरीर कबीर को मिला था वो महान संत बन गए, मनुष्य का शरीर बुद्ध को मिला था बुद्ध भगवान बन गए, मनुष्य का शरीर स्वामी महावीर को मिला था महावीर भगवान बन गए, और मनुष्य का शरीर तुमको मिला तुम दरुहा बन गए, बुद्धो आदमी कहीं कहा। अरे भगवान न बन सको
इतने महान न बन सको तो कम से कम इंसान बन करके जियो, ताकि तुम्हारा सम्मान बना रहे। जोर से ताली बजाया करो। ताली बजाने में क्या हाथ में फफोले पड़े हैं, चुटपुट चुटपुट कोई काम ठीक ठाक नहीं करते हैं आप। तुम भी बजाओ मुखिया, बजा जिला परिषद सदस्य, मोनी मोनी ना, जोर से बजाए करो। बबीता बजाओ और बजा के दिखाओ। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, फकीरों की दुनिया अजब है निराली। ओहो, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। करेंगे नशा जो शीघ्र ही मरेंगे, करेंगे नशा जो शीघ्र ही मरेंगे, बिना भक्ति के वे कैसे तरेंगे, बिना भक्ति के वे कैसे तरेंगे। व्यसन के ही कारण, व्यसन के ही कारण रहे क्या होगा, व्यसन के ही कारण रहे खाली थाली। फकीरों की दुनिया अजब है निराली। गाओ दोहराओ। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा उनके चेहरे पे रहती है लाली। वह कर्म करो जिससे टेंशन ना हो, ऐसी जिंदगी जियो जिसमें व्यसन ना हो, वस्त्र ऐसे पहनो जिसमें फैशन ना हो, काम ऐसे करो जिससे माता पिता को दुख ना हो, माता पिता ऐसे बनो जिससे बच्चों का भविष्य और भाग्य बिगड़ने ना पाए, दादा दादी ऐसे बनो जिससे आपके घर में आने वाली जनरेशन आपका गुणगान करे। आप दुनिया से मर जाओ, चले जाओ, लेकिन फिर भी लोग कहें कि मेरे दादाजी बहुत महान थे। आज हम कहते हैं दुनिया से हमारे छोटे गुरु गुरुमन देव जी चले गए, लेकिन हम कहते हैं कि वास्तव में बहुत महान थे, बहुत मेहनत किया। दीपक बुझने के बाद उजाले की कीमत पता चलती है, आदमी के चले जाने के बाद उसके महत्व का पता चलता है। याद रखना, जब तक तुम्हारे साथ में तुम्हारा गुरु है उसके महत्व को तुम उतना समझ नहीं पाते हो, जब तक तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माता पिता दादा दादी का हाथ है उसकी कीमत को तुम समझ नहीं पाते हो, जब तक किसी पति का हाथ पत्नी के ऊपर है वो समझ नहीं पाती है पति क्या होता है, जब वो सब संसार छोड़कर चले जाते हैं तो शिष्यों को भी पता चलता है कि मेरे गुरु की क्या लीला परंपार थी, और पुत्रों को पता चलता है पुत्रियों को कि मेरे माता पिता की छाया मुझ पर कितनी थी, और पत्नी को पता चलता है कि मेरे पति का कितना बड़ा मेरा साथ था। याद रखना, इसलिए दीपक की कीमत जब तक जल रहा है उसी समय करो, बुझने के बाद उसके उजाले का महत्व समझते हो, जलते ही दीपक के उजाले का महत्व समझो,
पति का महत्व समझो, पत्नी का महत्व समझो, गुरु का महत्व समझो, शिष्यों का महत्व समझो, पुत्र पुत्री का भी महत्व समझो, पुतोहू का भी महत्व समझो। याद रखना, तुम्हारे घर का बच्चा बच्चा नारी सभी महत्वपूर्ण है। और आपके घर में जितने भी बूढ़े दादा रहते हैं, दादी रहती है, वो भी आपके घर की शोभा है। घर की शोभा है, और घर के पहरेदार हैं, घर के रक्षक हैं। और रक्षक को संरक्षक कहते हैं, मैं उसको रक्षक कहता हूँ। बिना वेतन के, बिना कहे घर बचाते रहते हैं। पश्चिम चंपारण में मेरा प्रोग्राम था, जिनके घर में ठहरा था, एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। हमने कहा बाबा सत्संग में चलो। बोले हम घर बचाएंगे गुरु जी, सब बेटे बहू गए हैं और आपका सामान भी है, और हम डंडा लेकर बैठे रहेंगे, घर की रक्षा करेंगे। वो दादा धन्य है दादा, इसलिए अपने दादा दादी को, सास ससुर को, बूढ़े माता पिता को संभाल कर रखो। कुछ नहीं करना है, सुबह उठना है, पैर छू लेना है और कहना है कि आपकी वजह से हम सुखी हैं। और आप बहुत संभाल लेते हैं, देखना बूढ़े दादा दादी भी दौड़ दौड़ कर काम करेंगे, बूढ़ी सासू भी स्पीड से दौड़ कर काम करेगी, ससुर भी काम करेगा और माता पिता भी काम करेंगे। बस पांव छूना है, और पहली चाय उन्हीं को पिला दो, दूसरी चाय बच्चों को, और तीसरी चाय खुद पियो, और ना बचे तो पानी पियो, और कह दो जय बजरंग बली, निकल गई दूसरी गली। बस बूढ़ों से भी काम लो, और शाम को फिर पांव छुओ, और कहो आज बहुत अच्छा लगा। तो पूछेंगे क्या अच्छा लगा, बोले आप खेत में गए थे, वहाँ बहुत बढ़िया सरसों काटा, वो अच्छा लगा। उनसे भी काम लो, सम्मान कर दो, खाम खां की लड़ाई मत करो, बकवास मत करो, बात मत लड़ाओ, चिड़चिड़चिड़ी मत करो, आलसी मत बनो, निकम्मे मत बनो। ये मत कहो कि हम पूरे घर को रोटी बनाकर नहीं खिला पाएंगे, इतनी बड़ी ये जमात है सब, इतना बड़ा ये मिलिट्री घर में 10-15 लोग हम नहीं दे पाएंगे, हम दो हमारे दो। अरे फालतू बात मत बोल, अरे तुम्हारे माता पिता सास ससुर ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में 10 लोग हैं, तो देवरानी जेठानी दो लोग मिलके 10 लोगों का भोजन नहीं बना सकती हो, इतना नखरा कर रही, फालतू बकवास बना रही हो। और सारा धन जमीन संपत्ति सब कुछ मिला है, वो हलवाई को तो केवल 1000 रुपये मिला है, और तुमको तो सब कुछ मिला है, पति भी मिला, घर भी मिला, कमरा भी मिला, गाय भैंस भी मिली, गाड़ी भी मिली, साड़ी भी मिली, अब फिर नखरा क्यों? अगर हलवाई के घर में होती तो दिन भर पूड़ी बेलती, तब नहीं कहती।